दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डे टू डे अपडेट में। आज इस वीडियो में बिहार प्राइवेट टीचर नियोजन से संबंधित कॉमन डाउट के बारे में हम लोग बात करेंगे और साथ ही साथ उन सभी डाउट का सॉल्यूशन बताने की भी कोशिश करूंगा। यहाँ पे कल वाला वीडियो नहीं देखें तो चेकआउट कर लीजिएगा। 6 से 8 तक के शिक्षक नियोजन से संबंधित कल 15 जिलों का अपडेट आया हुआ था और कुछ मैं अपने वेबसाइट से रिगार्डिंग भी अपडेट बताया था, इन्फॉर्म किया था। और यहाँ पर जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो भी आना प्रारंभ हो चुका है और उसके लिए मैं अलग से पेज भी क्रिएट कर चुका हूँ। ओके, तो आप चाहें तो इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, नहीं देखे होंगे तो। ओके, यहाँ पे आज के सबसे पहले डाउट के बारे में हम बात करें तो कुछ कैंडिडेट द्वारा, कुछ अभ्यर्थी द्वारा पूछा जा रहा है कि अभी तक 1 से 5 तक के शिक्षक नियोजन से संबंधित किन किन जिलों का जो है अपबंधक मेधा सूची जारी किया गया है। तो आपको बता दूं कि अभी तक ओनली लखीसराय जिला द्वारा ही अपबंधक मेधा सूची को अपने वेबसाइट पर अपलोड किया गया है और वो भी केवल एक नियोजन यूनिट का। उस नियोजन यूनिट का नाम आप देख लीजिएगा जो लखीसराय नगर परिषद लखीसराय है, उसका अपडेट यहाँ पे आया हुआ है। ओके, और यहाँ पे मैं अपने जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट वाले सेक्शन है 6 से 8 तक वाले में ही इसे जो है बताया हूँ, क्योंकि इसी में 6 से 8 तक वाला भी अपडेट है। ओके, इस कारण से। और यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूँ कि जो प्राइमरी एजुकेशन के डायरेक्टर हैं उनके तरफ से बताया गया है कि सभी नियोजन यूनिट को 1 से 1 सितंबर तक जो है अपने अपने NIC की वेबसाइट पर 1 से 5 तक के अपबंधक मेधा सूची को अपलोड कर देना है। इसकी रिगार्डिंग मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी अपडेट किया था। मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या मैं पोस्ट था मैं दिखा देता हूँ कि क्या वो पोस्ट था। देखिए यहाँ पर ये पोस्ट मैंने किया हुआ था और इसमें बताया गया है कि 1 से 5 तक के अभ्यर्थियों का जो सूची का निर्माण है एक्सेल शीट में तैयार कर सुरक्षित रखा जाए। और यहाँ पे बताया गया है कि उक्त निर्देश दिया जाए सभी नियोजन इकाई द्वारा सभी अभ्यर्थियों के संबंधित एक साथ तैयार सूची को जिले के NIC की वेबसाइट पर दिनांक 1 सितंबर 2020 तक निश्चित रूप से अपलोड करने का सुनिश्चित करेंगे। यानी 1 सितंबर तक यहाँ पर टाइम दिया गया है और बताया गया है कि ऑनलाइन आपत्ति जो है 2 सितंबर से लिया जाना प्रारंभ कर दिया जाएगा 1 से 5 तक के लिए, ये बताया गया है। ठीक है, लेकिन अभी तक एक ही जिला का अपडेट आया हुआ है। जो भी अपडेट आएगा आपको 1 से 5 तक के लिए अलग से मैं पेज क्रिएट कर दूंगा और वहां से डायरेक्टली आप जो है 1 से 5 तक के अपबंधक मेधा सूची को भी डाउनलोड आप कर सकते हैं। ओके, ये पहला डाउट हुआ। दूसरा डाउट यहाँ पे कुछ कैंडिडेट द्वारा आ रहा है कि देखिए ये कटिहार जिला है और कुछ जिलों का जो मेरिट है, जो मेरिट लिस्ट है यहाँ पे, देखिए जैसे कि ये हसनगंज हुआ, ब्लॉक हसनगंज है, इसका मेरिट लिस्ट आप जैसे ही डाउनलोड कीजिएगा, वैसे तो यहाँ पे सिस्टम में सही दिखा रहा है, देखिए जैसे ही आप डाउनलोड कीजिएगा तो ये मेरिट जो है यहाँ पे कुछ अलग ही चाइनीज टाइप के यहाँ पे लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगा। हालांकि वो जो लैंग्वेज है वो हिंदी फॉन्ट है, कुर्तिदेव या फिर मंगल फॉन्ट हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे आप जब जैसे ही मोबाइल में ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे नाम वगैरह जो हिंदी में मेंशन है वो आपको यहाँ पे अल्फ़ाबेट का नंबर यहाँ पे दिखाई देता होगा। ठीक है, तो आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि किसका मेरिट लिस्ट है और आपका नाम इसमें कहाँ है। तो इसके लिए आपको कोई सोल्यूशन नहीं है, या तो आप ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं या फिर सबसे आसान तरीका है कि आप किसी के लैपटॉप में देख सकते हैं, किसी के PC में, किसी के कंप्यूटर में आप जाकर इसे देख सकते हैं। कि किसी से भी बोलिएगा, आपके गांव में भी, आपके आपके बगल में पड़ोस में भी अगर होगा सिस्टम तो वो दिखा देगा आपको, या फिर साइबर कैफ़े में जाकर भी आप इसे देख सकते हैं आसानी से, क्योंकि कंप्यूटर में ये आसानी से ओपन हो जा रहा है। मोबाइल में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है क्योंकि मोबाइल का जो रीडर होता है PDF रीडर, उसमें जो हिंदी फॉन्ट होता है वो नहीं होता है, इनेबल नहीं होता है या फिर इंस्टॉल नहीं होता है हिंदी फॉन्ट, इस कारण से आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। ओके, तो ये 2 डाउट आपको मैं बताया। और यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि कल के डेट का, मतलब कि 29 अगस्त के डेट का 6 से 8 तक के शिक्षक नियोजन संबंधित 2 और अपडेट आया था प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का, वो मैं मिस कर चुका हूँ क्योंकि कल जब मैं 5 बजे के आसपास इसे इस वेबसाइट पर विजिट किया था तब तक यहाँ पे अपडेट नहीं था, लेकिन देर रात तक इसे अपडेट किया गया है या फिर देर शाम तक। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ किस किस नियोजन यूनिट का अपडेट आया है। सबसे पहला जो ज़िला है बक्सर है और दूसरा जो ज़िला है गोपालगंज है। और यहाँ पे मैं अपने वेबसाइट पर भी इसे अपडेट कर चुका हूँ और हमारे वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे जिला वाइज और नियोजन यूनिट के नाम वाइज और डेट वाइज यहाँ पे
मेरिट लिस्ट अपडेटेड है, और आज वाला जो मेरिट लिस्ट मैंने अपडेट किया है वो 30 अगस्त के डेट में मेंशन किया है, वहाँ पे 30 अगस्त मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले आप देख सकते हैं बक्सर जिले में जो नावा नगर ब्लॉक है उसका अपडेट आया हुआ है, और ये सभी PDF हैं। दूसरा आप जो अपडेट है देखिए डुमराव ब्लॉक का है, डुमराव ब्लॉक में मैथ साइंस और साथ में सोशल साइंस का यहाँ पे ये PDF रहा 8-8 MB का, इसे भी अपडेट कर चुका हूँ अपनी वेबसाइट पर। अगला जो अपडेट है वो राजपुर ब्लॉक का है, और राजपुर ब्लॉक में यहाँ पे 4 सब्जेक्ट का देखिए PDF रिलीज किया गया है। आगे बात करें यहाँ पे तो बस इतना ही था, यहाँ पे चाकी ब्लॉक का अपडेट मैं पहले प्रोवाइड करा चुका हूँ। अन्य जिला की बात करें तो यह है गोपालगंज जिला, और गोपालगंज जिला में यहाँ पे देखिए ये माझा विजयपुर बरौली का अपडेट मैं प्रोवाइड करा चुका हूँ। यहाँ पे 2 अपडेट कल की डेट में आया है देर शाम तक। यहाँ पे देखिए जो कातिया ब्लॉक है और साथ में थावे ब्लॉक, तो कातिया और थावे ब्लॉक का ये सभी मेरिट लिस्ट रहा, और इसे भी मैं अपनी वेबसाइट पर अपडेट कर चुका हूँ। ये 2 जिलों का अपडेट जो है 29 अगस्त में किया गया है देर शाम तक, और इसे मैं आज अपडेट कर दिया हूँ ताकि अभ्यर्थियों को ज़्यादा देर ना हो अपने मेरिट लिस्ट को देखने में।